वो लगते हैं, हम किस तरह जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास एक दीवार है जिसकी जो लंबाई है वो है 20 फुट, उसकी हाइट जो है वो है 8 फुट, और उसकी जो चौड़ाई है, ये विड्थ है या थिकनेस कह लें इसको, वो है 0.66 फुट। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि दीवार का वॉल्यूम, और जो आप ब्लॉक लगाना चाह रहे हैं उस ब्लॉक एक ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉल इस दीवार की जो है वो वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है लेंथ ज़रबे हाइट ज़रबे विड्थ। ठीक है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास जो लेंथ है वो है 20 फुट, और हाइट जो है वो है 8 फुट, और जो विड्थ है या थिकनेस है वो है 0.66 फुट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है वो इनको तीन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारे पास वो आ गया 105.6 स्क्वेयर फिट सी एफ टी में, सॉरी क्यूबिक फिट में आ गया। ठीक हो गया, वॉल्यूम जो है वो हमेशा सी एफ टी में आता है, क्यूबिक फुट में। अब जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे एक ब्लॉक की जो है वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है वो डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें जो है वो ब्लॉक की डायमेंशन का पता होना चाहिए। हमारे पास जो है वो विड्थ जो है उसकी चौड़ाई जो है ब्लॉक की वो है 8 इंच, लंबाई जो है वो है 16 इंच, और हाइट जो है वो भी है 8 इंच। ठीक है, अगर अब हम इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करने से पहले, फार्मूले में पुट करने से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिट में, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने जो है वो जल्दी जल्दी इनको जो है वो कन्वर्ट कर लिया। हमारी जो है वो वेट था आ गई 0.66 × 1.33 और मल्टीप्लाई 0.66। इस फार्मूले में ये सारियाँ चीज़ें जो है वो हमने फार्मूले में पुट की तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है वो आ गया 0.59 क्यूबिक फुट। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो मेन फार्मूला है नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स का वो हम लगाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक जो है वो काउंट करने के लिए हमारे पास जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो कि हमारे पास जो है वो 105.6 क्यूबिक फुट है, और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है हमारे पास वो है 0.59 क्यूबिक फुट। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ ब्लॉक जो है वो निकल के आ जाएंगे। जो नंबर ऑफ ब्लॉक हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 178.9। ठीक हो गया, हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो सीधी कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो आ गया 179 ब्लॉक जो हैं ये हमारी दीवार पे लगेंगे, जिस दीवार की जो है वो डायमेंशन ये है कि 20 फुट वो लंबी है, हाइट उसकी जो है वो है 8 फुट, और जो उसकी चौड़ाई है ठीक है वो है 0.66 फिट। ठीक है, इस तरह जो है वो आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स किसी भी दीवार के निकाल सकते हैं। आपको दीवार की जो है वो वही मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए कि आपने कितनी दीवार बनानी है, उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, उसकी लंबाई कितनी है, और इसको कितनी हाइट तक आप लेके जाना चाहते हैं। ये सारी कीमतें जो है वो वैल्यूज़ आप अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आप जो है वो अपने घर में किसी भी दीवार के जो है वो ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।